वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट क्लिक बैंक का तरीका बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही औसम है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग की इनकम को स्टार्ट कर सकते हो। ना किसी वेबसाइट की ज़रूरत है, ना आपको यूट्यूब चैनल की या वीडियोज़ की ज़रूरत है, और ना ही आपको अपना कोई भी ब्लॉग वगैरह क्रिएट करना है, नथिंग एट ऑल। ये ट्रिक बहुत ही औसम है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है, बशर्ते तरीके से आपको करना है। अगर आप ये तरीका ठीक से लर्न कर लोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग की अर्निंग कर सकते हो, बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी यूट्यूब वीडियो चैनल के, बिना किसी ब्लॉग के। प्रेफरेबल यही रहता है लैंडिंग पेज बना के तरीके को यूज़ करना, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड रहती है कि सर आप शॉर्टकट तरीके जो और लोग भी बताते हैं उनको एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट करके आप देख के हमें बताओ और उसमें परफेक्शन डेवलप करके आप सिखाओ कि कैसे हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो अब से मैंने ये चीज़ करना शुरू कर दिया है, इसीलिए इस चैनल पर अब ज़्यादातर वीडियोज मेम्बरशिप के साथ साथ इस तरीके के फ्री वीडियोस भी अवेलेबल होंगे मेरे चैनल पे, जो कि शॉर्टकट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि आप पावरफुल शॉर्टकट तरीके से कैसे अपनी अर्निंग को क्रिएट कर सकते हो। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और एग्रेसिवली अपनी क्लिक बैंक को या किसी भी एफिलिएट इनकम को इनक्रीज कर सको। इस पर्टिकुलर मेथड में 3 स्टेप्स को हमने यूज करना है। पहला, 5 मिनट के अंदर अंदर हमने कमांड प्रॉम्प्ट रन करना है चैट जीपीटी पे। दूसरा, हमने एक सोर्स कोड निकालना है जो कि हम गूगल पे सर्च करेंगे और उससे हम जो है अपना कॉपी करेंगे, हमें मतलब पता लगेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है। तीसरा स्टेप होगा कि कमेंट्स हमने कैसे बनाने हैं और उनको कैसे पोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप पे चलेंगे, जिसमें कि आपने चैट जीपीटी को ये बोलना है कि यार एक चीज़ बताओ कि टेल मी सर्च क्वेरी ऑन गूगल अबाउट स्पेसिफिक ब्लॉग टॉपिक विद कमेंट्स और रिप्लाई अलोंग विद कंट्री और डोमेन एक्सटेंशन। अब ये ना एक्चुअली एक्सटेंशन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। अब इस चीज़ को देखो, हमने इससे क्या पूछा, हमने बोला भैया ऐसा है, हमें गूगल सर्च पे एक ऐसी सर्च क्वेरी का जो है सोर्स कोड या एक सर्च क्वेरी छोटी सी बताओ जिसमें ना एक तो ब्लॉग का स्पेसिफिक टॉपिक आ जाए, दूसरा उस ब्लॉग पे पर्टिकुलर कमेंट्स पोस्ट करने की भी या रिप्लाई करने की भी जगह हो, एट द सेम टाइम कंट्री और उसका जो डोमेन एक्सटेंशन होता है, डोमेन एक्सटेंशन मतलब डॉट इन इंडिया का है, डॉट कॉम ग्लोबल का है, डॉट जो है अपना यूके का है, डॉट यूएस यूएसए का है। तो अब हम इसको ये बोल रहे हैं कि भैया गूगल आप सॉरी भैया चैट जीपीटी आप एक काम करो कि गूगल पे ऐसी सर्च क्वेरी बताओ जिससे ब्लॉग का स्पेसिफिक टारगेट हम कर सके, दूसरा कमेंट्स भी हम उसमें रिप्लाई भी पोस्ट कर सकें और कंट्री और डोमेन का एक्सटेंशन हो। अब हम कर देते हैं जी एंटर, और एंटर करने के बाद वो ये बोलता है, अब इतना सारा तामझाम है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, थोड़ी सी कोडिंग है। चलो ये हमने पता कर लिया, अच्छा ये हमने सर्च करना है। अब ये जो सोर्स कोड आ गया ना, अब हम इसको कॉपी करेंगे कैसे, अब मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि कैसे। ये कह रहा है योर ब्लॉग टॉपिक इंटेंट कमेंट साइट डोमेन एक्सटेंशन। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है गूगल पे और गूगल पे हमने इसको पेस्ट कर देना है, यानी कि स्पेसिफिक ब्लॉग टॉपिक हो गया वर्क फ्रॉम होम, स्पेसिफिकली हमने बता दिया कि भैया कमेंट्स और रिप्लाई होने चाहिए, साइट हमने बता दी कि भैया हमें यूके टारगेट करने हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भाई ये हमें क्या रिजल्ट्स को बताता है। अब ये देखो कितने सारे रिजल्ट्स इसने दिखा दिए, यानी कि जब गूगल से हमने बोला कि स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताइए, कौन कौन से ब्लॉग्स हैं, उनमें कमेंट और रिप्लाई करने का ऑप्शन भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम उसमें यूके को हमें टारगेट करना है, तो आप सिर्फ यूके की ही दिखाइए। तो अब उसने क्या किया, जहां जहां वर्क फ्रॉम होम के ब्लॉग पोस्ट बने हुए हैं ना, एक तो वो इसने दिखा दिए, दूसरा हर किसी में कमेंट और रिप्लाई का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप और ये यूके की है। अब हम चलते हैं जी, वर्क फ्रॉम होम तो हमें मिल गया, अब हम चलते हैं क्लिक बैंक के उस प्रोडक्ट पे जो कि वर्क फ्रॉम होम मनी मेकिंग ऑनलाइन या कुछ भी ऐसा कुछ चीज दिखाता हो। उसके लिए हम चलेंगे अपना क्लिक बैंक पे। ओके फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस पे। अब हम इसको बोलेंगे कि दिखा दो भैया वर्क फ्रॉम होम में आपके पास क्या क्या सामान मौजूद है।
अब वो कहता है जी ट्रेंडिंग है 2023 में वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, ग्रेविटी स्कोर भी ठीक है, कोशिश करो नए को टारगेट करना, रिकरिंग को टारगेट करना, ये नहीं मिलते तब हाई ग्रेविटी को टारगेट करना, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि यार वो सब तो ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे हाई ग्रेविटी को टारगेट कर लेना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी हाई से लो कर देंगे। अब ये आ गई हाई ग्रेविटी, यानी कि बिलियनेयर ब्रेन वेव वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन अब हमें ना स्पेसिफिकली वो चीज़ नहीं मिल रही है जो कि हमें चाहिए मनी मेकिंग के लिए घर से बैठ के। अब एक हमें मिल जाता है लाइव चैट जॉब्स, ये ज़्यादा हमें बेटर लग रहा है, एक तो ये रिकरिंग है, दूसरा ये ग्रेविटी स्कोर बहुत अच्छा है इसका, और तीसरा इसमें जो है ना कमीशन भी बहुत अच्छी मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं कि ठीक है भैया इसका लिंक अब हम कॉपी कर लेते हैं। लिंक कॉपी करने के बाद अब डायरेक्ट पूरा का पूरा लिंक हम ये नहीं लेंगे, हम चलेंगे अपना बिटली भैया के पास, और बिटली भैया के पास जाके अब हम क्या करेंगे, हम इससे बोलेंगे चल भी एक लिंक क्रिएट करके दे दे फटाफट। क्रिएट न्यू पे जाएंगे, लिंक पे जाएंगे, और उसके बाद हम कर देंगे क्रिएट। अब बन गया जी आपका छोटा सा लिंक, अब इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। कॉपी करने के बाद आप इसको सेव करके रख लो अपनी फाइल में, यानी कि यहां पे, ठीक है। अब इस विंडो को अब हम बंद कर देते हैं, रीकैप करते हैं। पहला स्टेप हमने कमांड प्रॉम्प्ट रन किया, उससे पूछा भैया वर्क फ्रॉम होम के बारे में बता दो, ऐसी आप वेट लॉस, डायबिटीज, क्लिक बैंक का जो भी प्रोडक्ट है आपने टारगेट करना है उसको लेके आप चल सकते हो। दूसरे स्टेप में हमने गूगल पे सर्च क्वेरी रन की और उसको बोला भैया जिन जिन जगहों पे जो जो ये चीज़ें आ रही है ना वर्क फ्रॉम होम ये सब, ये आ जाए एक तो वो भी आ गया जी आपके पास। अब आप क्या करते हो, आप इसमें कमेंट कैसे पोस्ट करना है वो चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट अब हम लिंक को क्लिक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में जो है लिंक के लिए कमेंट पोस्ट करने के लिए ऑप्शन हो, सो मेक श्योर जिसमें भी हो उसमें आप कर सकते हो। अब जैसे ये ग्लास वाला आ गया देखो, ठीक है ग्लास डोर का, इसमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं जी और किसी में देखने के लिए, जैसे इस मैगजीन पर चलते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं कि हमें कमेंट पोस्ट करने का ऑप्शन है या नहीं। अब हम देखते हैं जी यहाँ पे कि कमेंट है जो है ज्वाइन द कमेंटिंग फॉर्म, ठीक है कमेंट्स है यहाँ पे, प्रमोशन स्टोरीज, ऑब्वियसली ये कमेंट पोस्ट नहीं करने दे रहा है, कोई बात नहीं जी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पे, जैसे समझो कोई छोटा है, जैसे इसको ट्राई करते हैं। अब हम देखते हैं ये थोड़ी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि वेबसाइट और इन सब का टेंशन ख़त्म हो जाएगा फालतू का जो हम बनाते रहते हैं, तो अच्छा इसमें भी नहीं है। और हम थोड़ा नीचे चलते हैं, बीबीसी सीपीआईडी वर्क फ्रॉम होम इसको लेके चलते हैं चलो, कि इसमें कमेंट्स हैं या नहीं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी देखो इसमें आ गया, देखो अब इसमें आ गया ना कि कमेंट पोस्ट करना है। अब अगर आप क्या करोगे कि आप इसमें ना स्पैम टाइप कमेंट डालने की कोशिश करोगे या डायरेक्ट लिंक पोस्ट कर दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। अब आपने लैंग्वेज क्या लिखनी है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो। आप लैंग्वेज ये लिखोगे, एक काम हम और करते हैं, यहाँ पे इसको हम लिंक को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे डालते हैं। जनरल इंग्लिश लिखनी है उसमें कुछ वो नहीं है, जैसे इसमें मैंने लिखा थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन बीइंग अ हाउसवाइफ, हाउएवर आई हैव बीन टेस्टिंग द सिस्टम टू गेट सम इनकम एज आई कैन ओनली वर्क फ्रॉम होम, एट प्रेजेंट आई हैड मेड सम मनी नॉट ह्यूज अमाउंट बट एज अ स्टार्ट विद गुड डिसेंट इनकम, यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट इट। और इसमें आपने HTML लिंक देना है, ठीक है ये आप ध्यान से देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने ज़रूर करनी है ताकि वो नेचुरल देखे, मेक श्योर ऑफ दैट, सो टू चेकआउट वगैरह वगैरह। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने रियल नेम देना है, जैसे मैं डाल देता हूँ ये वाला रियल नेम और इसमें सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद क्या होगा, ये कमेंट ना वेटिंग फॉर हो गया मॉडरेशन, ठीक है। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि जब ये मॉडरेशन से लिंक अप्रूव हो जाएगा ना, तो ये यहाँ पे जो हमने लिंक डाला हुआ है टू गेट सम इनकम वगैरह वगैरह टेस्टिंग दिस सिस्टम, ये हमने डाला था हेयर, ये देखो हेयर इस पे आ गया लिंक, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली हम पहुंच जाएंगे अपने एफिलिएट लिंक पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट क्लास काम। अब आपने ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, अब जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, दिन में कम से कम 3 से 5 पूरे दिन में कमेंट्स आप पोस्ट करो, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज में, ठीक है ना, फालतू फेक लैंग्वेज में नहीं, स्पैम लैंग्वेज में नहीं, और डायरेक्ट लिंक बैंक का लिंक आपने पेस्ट नहीं करना है। अगर आपने डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर दिया ना तो मामला हो जाएगा गड़बड़।
तो इसीलिए जो है ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छी क्लिकबैंक की इनकम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप सेफर साइड पे चलना चाहते हो, मत पड़ो झंझट में। आप अपनी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे या वीडियो पे बनाते हो, वहां ले जाओ, इसको क्या फर्क पड़ता है, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए मैंने खासतौर से ये सीरीज अब शुरू करी है कि भाई जिनको बार बार ये होता है कि शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, तो उस चीज को लेके आप अब इजीली इसको रन कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। स्टेप नंबर वन, चैट जीपीटी पे आप रन करो। दूसरा, गूगल पे लिस्ट ले लो। तीसरा, ऑब्वियसली क्लिकबैंक आपने सिलेक्ट किया हुआ है प्रोडक्ट। तीसरा, अपना जो है कमेंट्स वगैरह पोस्ट करो, लेकिन नेचुरल तरीके से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।